तो आज का जो वीडियो है वो क्वेश्चन आंसर्स बेस्ड वीडियो आप कह सकते हो, क्योंकि जो मैंने अपनी DNC वीडियो डाली थी उसमें बहुत लोगों के क्वेश्चंस आ रहे थे, तो मैंने सोचा क्यों ना आज की जो वीडियो वो इन्हीं पर बेस्ड हो। तो आज की वीडियो में मैं उन्हीं सारे क्वेश्चंस का आंसर्स दूंगी, तो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो फर्स्ट क्वेश्चन जो मुझसे पूछा गया था कि DNC के कितने दिन बाद मैंने कंसीव कर लिया था, सो उसका आंसर ये है कि मेरी DNC जो हुई थी वो 2019 14 फरवरी को हुई थी, और मैंने कंसीव अप्रैल में ही कर लिया था, मतलब 2 महीने बाद मैंने कंसीव कर लिया था। तो ये है आपके फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। सेकेंड क्वेश्चन हम बढ़ते हैं। सेकेंड क्वेश्चन जो मुझसे पूछा गया था कि DNC कब करवाना चाहिए, मतलब कितने वीक, जब आपको पता चले तो कितने वीक बाद कराना चाहिए। सो इसका आंसर ये है कि जैसे आपको पता चले कि हाँ आपका बेबी अच्छे से डेवलप नहीं हो रहा है, या तो आपका मिस्ड मिसकैरेज हुआ है, या मतलब कोई प्रॉब्लम है प्रेगनेंसी में, और अगर आपका डॉक्टर कहता है कि हाँ आपको DNC करवाना है, तो प्लीज़ मतलब अगर उस दिन पॉसिबल हो सके तो आप उसी दिन करवाइए, नहीं तो नेक्स्ट डे तो आपको हर हालत में करा लेनी चाहिए, क्योंकि आप इसमें बिल्कुल भी डिले नहीं कर सकते। तो जैसे जैसे अगर आप डिले करोगे तो हो सकता है कि आपको भी कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम हो जाए, तो इसीलिए आप इसको डिले मत करिए। जैसे आपको पता चले कि हाँ आपके डॉक्टर ने आपको DNC कहा है, तो उस दिन नहीं तो नेक्स्ट डे तो आपको पक्का ही करवाना चाहिए। अब थर्ड क्वेश्चन जो मुझसे पूछा गया था कि कितना खर्चा आपके DNC में आया था। ये DNC यहीं लखनऊ में ही हुई थी, और जिनसे मैंने करवाया था वहाँ आई थिंक 8000 लगा था। वो डिफ़र करता है कि आप कौन से हॉस्पिटल से कराते हो। बैठते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो मुझसे पूछा जा रहा था वो ये था कि DNC के कितने मंथ बाद पीरियड्स आते हैं। तो इसका आंसर ये है कि जब आपकी DNC हो जाती है तो पीरियड्स आपके इरेगुलर हो जाते हैं, मतलब 2 to 3 मंथ इरेगुलर होते हैं, वो नॉर्मल है, मेरे साथ भी ये हुआ था, उसके बाद नॉर्मल पीरियड्स आने लगेंगे। तो इसमें आप बिल्कुल भी घबराना मत, ये चीज़ नॉर्मल होती है, आपके डॉक्टर्स भी आपको यही बताएंगे। होप आपको इसका आंसर क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा जा रहा था कि DNC के बाद आपको कैसे पता चला कि जो बेबी के टिश्यूज़ हैं वो अच्छे से क्लीन हुए हैं कि नहीं हुए। तो इसका आंसर ये है कि DNC होने के बाद आपके डॉक्टर्स आपको खुद ही चेकअप के लिए बुलाते हैं। जैसे DNC हो गया, 1-2 दिन बाद मुझे मेरी डॉक्टर ने बुलाया, मेरा चेकअप हुआ, उन्होंने मेरा अल्ट्रासाउंड किया, और उसी अल्ट्रासाउंड में उन्होंने मुझे बताया कि हाँ जो बेबी के जो रिमेनिंग पार्ट्स थे वो उन्होंने अच्छे से क्लीन कर दिए, अब कोई भी प्रॉब्लम नहीं, अब आप जब अपनी नेक्स्ट प्रेगनेंसी प्लान करोगे तो वो ईजिली आप कंसीव कर सकते, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो मुझसे पूछा जा रहा था कि DNC होने के कितने दिन बाद ब्लीडिंग, मतलब जैसे DNC आपकी हो जाती है तो कितने दिन ब्लीडिंग आपको हुई थी। तो मुझे तो यार 4 दिन तक ब्लीडिंग हुई थी, मतलब 2 दिन तो बहुत ही हैवी ब्लीडिंग हुई थी, मतलब बहुत ही हैवी ब्लीडिंग। उसके बाद फिर 2 डेज बाद मुझे नॉर्मल ब्लीडिंग होने लगी थी, मतलब 4 डेज तो मुझे हुई थी। सो अब हम बैठते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि जब मेरी DNC हो रही थी, मतलब मुझे बेहोश किया गया था, तो क्या मुझे कुछ पता चल रहा था, मतलब दर्द का एहसास कुछ हो रहा था। तो यार जब आप बेहोश होते तब तो आपको कुछ पता नहीं चलता है, पर हाँ जब मैं अपने सेंसेस में आने लगी थी मुझे तब पेन का एहसास हुआ था, मतलब 1 से 2 घंटा मुझे पेन हुआ था, पर उसके बाद मुझे नहीं पेन हुआ था। पर हाँ मुझे चक्कर आते थे ज़रूर, जैसे मैं अगर लेट गई, अगर मैं उठ जाऊँ तो मुझे चक्कर ज़रूर आते थे। 1 वीक तक ये था, उसके बाद सब नॉर्मल था, कोई एज सच कोई मुझे इतनी प्रॉब्लम नहीं हुई थी, थैंक्स टू माई डॉक्टर, उन्होंने बहुत ही अच्छे से ये प्रोसीजर किया था, कोई मुझे DNC के बाद कोई मुझे ऐसा कोई इतनी प्रॉब्लम नहीं आई। अब बढ़ते हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि DNC के बाद मैं कौन सी मेडिसिन खाती जिससे मैंने इतनी ईजिली कंसीव कर लिया। तो उसका आंसर है कि मैं 2 ही मेडिसिन खाती थी बस, एक था इकोस्पेरिन 75 एंड सेकेंड था फॉलिक एसिड। ये मैं जैसे मेरी DNC फेब में हुई थी, मैंने 2 महीने तक रेगुलर खाया, मतलब मैंने इसको 1 दिन भी स्किप नहीं किया, मैं रेगुलर खाती थी। फिर मैंने अप्रैल में भी कंसीव कर लिया, तो डॉक्टर ने कहा था कि आप जब कंसीव कर लो तो आप फर्स्ट ट्राइमेस्टर तक भी इसे खा सकते हो। फर्स्ट ट्राइमेस्टर अगर मैं कहूँ तो स्टार्टिंग के 3 मंथ आप इसे कंटिन्यू कर सकते हो, बहुत ही सेफ होती है। आई होप आपको अपने सारे क्वेश्चंस के आंसर्स मिल गए होंगे, और अगर इन केस कोई आपके मन में कोई क्वेरीज रह गई हो, कोई क्वेश्चंस रह गए हो, तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना,
मैं उसका आंसर भी आपको दूंगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक कर देना, प्लीज़ इसे बहुत सारे लाइक कर देना, और अगर आप मेरे चैनल पर नहीं हो तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। अब मैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ। बाय बाय।